दोस्तों हमारे चैनल बेसिक इंग्लिश कन्वर्सेशन के माध्यम से आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है। मैं मोहम्मद हुसैन। फ्रेंड्स, मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूं और धीरे धीरे आप अंग्रेजी से बहुत क्लोज होते जा रहे हैं, आपको पता होगा। देखिए, मैंने अपने वीडियो के जरिया, अपने चैनल के जरिए आपको अंग्रेजी बोलने का कुछ पैकेज दिया है, लिखने के लिए भी कुछ मैंने सिखाया है, वर्ड पावर में भी कुछ बात हुई है। देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ता है और इंग्लिश सीखने के लिए कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। साथ ही आपको ये क्लियर रखना होता है कि इंग्लिश आप क्यों सीख रहे हैं, बोलने के लिए या लिखना चाहते हैं। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश बोलना होगा। डेली अपने दोस्तों के साथ दो चार सेंटेंस इंग्लिश का बोलना होगा, तब बोलना आएगा। और दूसरा होता है लिखना। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखने के लिए तो और कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, एक एक चीज आपको देखना होगा। लेकिन इसमें भी है कि आप थोड़ा कुछ टॉपिक पे लिखते रहें, काटते रहें, अपने गाइड को, टीचर को दिखाते रहें, धीरे धीरे लिखते लिखते आपको लिखना आ जाएगा। इस तरीके से आप इंग्लिश लिखना सीख जाएंगे, लेकिन एक दो दिन में नहीं होगा। तो इसके लिए कुछ वर्ड चाहिए, फिर सेंटेंस का स्ट्रक्चर चाहिए, कुछ फ्रेज भी आपको सुना चाहिए, कुछ ग्रामर के रूल को भी आप जाने, ये सारी चीज जानना होगा। लेकिन एक दिन में तो आप नहीं जानेंगे, ये एक दो दिन की चीज नहीं है। आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जुड़े रहें, मैं एक एक चीज आपको सिखाता रहूंगा। आज के वीडियो में मैं जो चीज आपको सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल नई चीज है। और वो है ही के साथ हमेशा आपने सुना है कि वाज का इस्तेमाल होता है, लेकिन आज ही के साथ वर का इस्तेमाल होगा। अब कैसे ही के साथ वाज नहीं आएगा, वर आएगा, ये सिखाएंगे। पहले देखिए सेंटेंस की बनावट आज क्या है। वह इस तरह बात करता है मानो वह पत्रकार है। वह इस तरह हंसता है मानो वह पागल हो। वह इस तरह मुस्कुराती है मानो वह अभिनेत्री हो। वह इस तरह लिखती है मानो वह डॉक्टर हो। वह इस तरह व्यवहार करता है मानो वह मेरा मालिक हो। वह इस तरह चलती है जैसे वह लंगड़ी हो। वह ऐसे पढ़ाता है जैसे वह प्रोफेसर हो। तो इस तरह के सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, ये सीखेंगे आप। फिर आपको समझ में आएगा कि ही के बाद कहां वाज आता है, कहां वर आता है। आइए आगे बता रहे हैं आपको। देखिए, मैंने आपको बताया कि ही के साथ वाज का इस्तेमाल तो होता है हमेशा, जैसे ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज रीडिंग, ही वॉज रनिंग, शी वॉज ईटिंग, शी वॉज राइटिंग। तो ही शी के साथ वॉज का प्रयोग होता है। आज ऐसा सेंटेंस आपको सिखाने जा रहे हैं हम जिसमें ही और शी के साथ वॉज की जगह वर का प्रयोग होगा। देखिए, पहला सेंटेंस है, क्या था पहला सेंटेंस, कि वो ऐसे बात करता है मानो वो पत्रकार हो। तो ही टॉक्स एज इफ ही वर अ जर्नलिस्ट। जब एज इफ आएगा तो उसके साथ वर आ जाएगा, ठीक है। अब अगला सेंटेंस है, वह ऐसे हंसता है मानो वह पागल हो। तो ही लाफ्स एज इफ ही वर मैड।
ये ध्यान रखना है आपको कि मैट्रिकुलेशन के एग्जाम में इस तरह का फ्रेज, इस तरह का सेंटेंस जरूर आता है, ठीक है। वह इस तरह मुस्कुराती है जैसे वह अभिनेत्री हो, शी स्माइल्स एज इफ शी वर एन एक्ट्रेस। वह ऐसे लिखती है जैसे वह डॉक्टर हो, तो शी राइट्स एज इफ शी वर, वाज नहीं होगा, वाज नहीं लिखना है, शी वर अ डॉक्टर। एज इफ के बाद मैंने बताया है कि वर आएगा। ही बिहेव्स एज इफ ही वर माई बॉस, वह ऐसे व्यवहार करता है जैसे मानो मेरा मालिक हो। शी वॉक्स एज इफ शी वर लेम, वह ऐसे चलती है मानो लंगड़ी हो। वह ऐसे पढ़ाता है जैसे प्रोफेसर हो, he teaches as if he were a professor। दोस्तों आपने देखा कि he के साथ was की जगह पर were का प्रयोग कैसे हुआ है। इस सेंटेंस को, इस स्ट्रक्चर का ध्यान से देखें, याद कर लें, सीख लें। हमेशा काम आने वाला सेंटेंस है और मैट्रिकुलेशन के कैंडिडेट्स को तो खास तौर से इस पर ध्यान देना चाहिए कि he के साथ वर का इस्तेमाल कब होता है। जब फ्रेज एज इफ आएगा तो वर का इस्तेमाल आएगा, और एज इफ की जगह पर आप हटा के और चीज भी दे सकते हैं, जैसे एज एज दो, आप एज इफ की जगह पे एज दो का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद, थैंक यू।